सेंटेंसेस से सवाल पूछते हो, तो उन सेंटेंसेस को आप कौन से सेंटेंसेस कहते हो? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो हमने आज प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है ना, वो करने हैं। इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का आपको पहले बता चुकी हूँ कि इससे बनाने का जो मेथड है ना वो ही सेम है, लेकिन इसमें आपने चेंज क्या करना होता है कि इसमें जब आप नॉर्मल सेंटेंसेस बनाते हो तब आपका सब्जेक्ट पहले और हेल्पिंग वर्ब जो है वो बाद में आता है, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस राइट करते हुए उसको ट्रांसलेट करते हुए आपने जो उसका हेल्पिंग वर्ब है ना वो पहले लिखोगे आप लोग, और उसका जो सब्जेक्ट है वो आपने उसके बाद राइट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें आपके हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव था, फॉर्म ऑफ वर्ब आपने थर्ड यूज करनी थी। तो सबसे पहले आपका है क्या वो आ चुका है, तो लास्ट में आपके क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेट जिस तरह नेगेटिव सेंटेंसेस में आप नहीं राइट अगर नॉट का वर्ड ऐड नहीं करते हैल्पिंग वर्ब के बाद तो आपका जो सेंटेंस है वो रॉन्ग होगा। इसी तरह आपके जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेज है ना उसमें क्वेश्चन मार्क जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है, यानी कि क्वेश्चन मार्क के बगैर आपका सेंटेंस जो है वो रॉन्ग नहीं होगा, सॉरी वो रॉन्ग होगा। तो क्योंकि जब आप उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते तो वो सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव वाला नहीं बनता। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लास्ट में उर्दू वाले सेंटेंस के लास्ट में भी क्वेश्चन मार्क लगा होगा, और जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे उसके लास्ट में भी आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो सबसे क्या वो आ चुका है, तो हैज वो आ चुका है यानी कि लड़का है, तो सब्जेक्ट आपका क्या होगा? ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब था? हैज। हैज ही अराइव्ड, यानी कि वो कहीं पे उसका वेट कर रहे थे तो उसका अराइव्ड यानी कि वो वहां पे पहुंच गया था, तो इसलिए अराइव्ड का वर्ड। हैज ही अराइव्ड, क्या वो आ चुका है? तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या सारा आ चुकी है? हैज सारा कम, ये कम आपकी फर्स्ट फॉर्म नहीं है, वैसे इसकी फर्स्ट फॉर्म कम होती है, सेकंड फॉर्म इसकी केम है, और इसकी थर्ड फॉर्म जो है वो भी इसकी कम है, तो इसलिए ये थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे है सारा कम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है आपका क्या तारीख आपसे मिल चुका है? हैज तारीख मेट यू, मीट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? मेट। हैज तारीख मेट यू, लास्ट में फिर क्वेश्चन मार्क। क्या वो वापस आ चुके हैं? हैव दे रिटर्न्ड, वापस आने की इंग्लिश क्या होती है? रिटर्न, तो रिटर्न थर्ड फॉर्म, हैव दे रिटर्न। नेक्स्ट है आपका क्या आपने फीस अदा कर दी है? हैव यू पेड योर फी, तो यू के साथ आपका हैव यू पेड योर फी। तो ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट के जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं ये फाइव सेंटेंसेस वो हो गए। नेक्स्ट आपके हैं पास्ट परफेक्ट के। पास्ट परफेक्ट में भी आपका हेल्पिंग वर्ब इसमें सबसे सेम ही था, सबके साथ जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे सबके साथ आपका हेल्पिंग वर्ब कौन सा? हैड ही लगाओगे आप लोग, यानी कि हैड पहले आ जाएगा और बाकी सब वो सेंटेंस जो होगा वो उसी तरह आगे मूव होगा। तो सबसे पहले आपका सेंटेंस है क्या डॉक्टर के जाने से पहले वो उन्हें मिल चुकी थी, यानी कि ये लड़की है, तो डॉक्टर के जाने से पहले इसका हम लोग सेकेंड वाले पार्ट को इसको ही हम ट्रांसलेट करेंगे। Had she met the doctor before he left? ये ही जो है वो डॉक्टर के लिए है, before he left, यानी कि जब डॉक्टर ही लेफ्ट, जब वो जा चुका था उसके जाने से पहले। Had she met the doctor, क्या वो डॉक्टर से मिल चुकी थी। नेक्स्ट है आपका क्या आप मेहमानों के आने से पहले घर सजा चुके थे, तो had you, सबसे पहले इतना घर सजा चुके थे आप, आपका सब्जेक्ट है। had you decorated the house before the guests came, सॉरी बिफोर द, हाँ इसमें आपकी सेकंड फॉर्म आएगी, बिफोर द गेस्ट केम आपका पास्ट में। Had you decorated the house, क्या आप घर सजा चुके थे? Before the guests came आपकी second form, जो मैंने इसका कहा था कि एक हिस्सा इसका उसका perfect में है और पहले वाला हिस्सा इसका किस में होता है? उसके indefinite में। indefinite में आप second form use करते हो। मैंने आपको कहा था कम की जो first form है वो कम है, second उसकी came है, और third form उसकी कम फिर से, तो यहाँ पे second form, और
हाउस, कितना आपका परफेक्ट का सेंटेंस हो गया, बिफोर द गेस्ट केम, ये आपका हो गया इंडेफिनेट का। जब बारिश हुई, यहाँ तक हो गया आपका इंडेफिनेट, तो क्या आप स्टेशन जा चुके थे, आगे हो गया आपका परफेक्ट, हैड यू लेफ्ट फॉर द स्टेशन, क्या आप स्टेशन जा चुके थे, कॉमा, व्हेन इट रेन, जब बारिश हुई, तो ये लास्ट में आपके क्वेश्चन मार्क। जब तुम घर पहुंचे, तो क्या तुम्हारे अबू जा चुके थे, हैड योर फादर गॉन, क्या तुम्हारे अबू जा चुके थे, कॉमा, व्हेन यू रीच्ड एट होम, जब तुम घर पहुंचे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब तुमने पत्थर फेंका, तो क्या परिंदे उड़ चुके थे, हैड द बर्ड्स फ्लोन, व्हेन, यहाँ पे आपका आएगा कॉमा, हैड द बर्ड्स फ्लोन, व्हेन यू थ्रू स्टोन्स, जब तुमने पत्थर फेंके। तो ये हो गए आपके पास्ट परफेक्ट के, नेक्स्ट आप क्या करते हैं फ्यूचर परफेक्ट के। फ्यूचर परफेक्ट में आपके हेल्पिंग वर्ब विल और शैल थे, नहीं सॉरी विल हैव और शैल हैव, और मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए कहा था कि आपने जो नॉट का वर्ड है ना वो विल और शैल के दरमियान में लगाओगे। इसी तरह जब हम इसके इंटरोगेटिव बनाएंगे, तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए जो इसका हेल्पिंग वर्ब है ना विल हैव और शैल हैव, तो उसमें से हमने क्या करना है कि उसका जो विल और शैल है ना उसको हम लोग पहले राइट करेंगे, सब्जेक्ट जो है वो उसके बाद में, हैव जो है वो वही का वही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे है आपका शैल हैव, आपका सब्जेक्ट है आई, तो शैल पहले आ जाएगा, आई सब्जेक्ट उनके दरमियान में और हैव उसके बाद। जिस तरह आपका नेगेटिव बनाते हुए नॉट इन दोनों के दरमियान में आता है ना, उसी तरह इसके इंटरोगेटिव बनाते हुए जो सब्जेक्ट है ना उसको हम मूव करते हैं उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमने सारे का सारा पहले ही राइट करना होता, हेल्पिंग वर्ब में हम सिर्फ शैल और वी जो सॉरी शैल और विल जो है ना वो पहले राइट करेंगे, उसके बाद उसका सब्जेक्ट और हैव वही का वही रहेगा। यहाँ से जैसे देखें यहाँ पे क्या तुम 3 बजे तक बाईसाइकिल धो चुके होंगे, विल यू हैव, अब तुम आपका क्या था सब्जेक्ट, तो विल को हम लोग पहले लेकर आ गए, उसके बाद जो यू का जो सब्जेक्ट था वो इनके दरमियान में आ गया, और उसके बाद हैव यानी कि विल हैव आपका हेल्पिंग वर्ब था, विल हैव के दरमियान में आपका क्या आएगा सब्जेक्ट, तो विल यू हैव वॉश्ड बाईसाइकिल, क्या तुम बाईसाइकिल धो चुके होगे बाय 3 o'clock 3 बजे तक, क्या वो 10 मिनट तक पुल पार कर चुके होंगे, इसका मतलब है कि काफी सारे लोग हैं, जब काफी सारे लोगों के लिए वो का वर्ड यूज हो तो क्या हम यूज करते हैं दे, विल दे हैव क्रॉस्ड, पार करना की इंग्लिश क्या होती है क्रॉस्ड, विल दे हैव क्रॉस्ड द ब्रिज, पुल ब्रिज, विल दे हैव क्रॉस्ड द ब्रिज बाय 10 मिनट्स, क्या वो 20 मिनट तक तकरीब कर चुका होगा, अब यहाँ पे लड़का है तो विल ही हैव डिलीवर्ड अ स्पीच, तकरीर करना डिलीवर्ड अ स्पीच बाय 20 मिनट्स, क्या नोरीन 20 मिनट तक तकरीर कर चुकी होगी, ये दोनों सेंटेंस आपके सेम ही है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे लड़का है और यहाँ पे लड़की, यहाँ पे लड़के का नेम नहीं यूज हुआ, यहाँ पे लड़की का नेम यूज हो गया, तो इसलिए हम यहाँ पे उसका नेम राइट करेंगे, सेंटेंस दोनों सेम ही होंगे, विल नोरीन, जब आप किसी का नेम राइट करते हो तो वो आपका प्रॉपर नाउन होगा, एक होता है कॉमन नाउन कहते हैं आम नाम जो होता है, और प्रॉपर होता है जो फास्ट नाम, जब आप किसी का नेम यूज कर लेते हो तो वो आपके लिए प्रॉपर हो जाता है, तो विल नोरीन, नोरीन का जो एन है वो आप कैपिटल में करोगे, क्योंकि प्रॉपर नाउन जो भी आप राइट करते हो उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो हमेशा कैपिटल में आएगा, विल नोरीन हैव डिलीवर्ड अ स्पीच बाय 20 मिनट्स, नेक्स्ट है आपका क्या हम दोपहर तक मरी पहुंच चुके होंगे, तो हम आपका वही है वो, के लिए आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते थे शैल वी हैव रीच्ड मरी बाय नून दोपहर तक, तो ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है ना वो कंप्लीट हो गए, अब आपका इंडेफिनेट
कॉन्टिन्यूस सेंटेंस और परफेक्ट सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि आपके 9 सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे, उनके पॉजिटिव सेंटेंसेस भी, नेगेटिव सेंटेंसेस भी और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब आपका नेक्स्ट जो सेंटेंस होगा ना वो लास्ट टेंस है, कौन सा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, बस वो एक लास्ट सेंटेंस, वो तीनों करने के बाद तीनों के उसके नेगेटिव इंटरोगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस करने के बाद आपके जो 12 टेंसेस है वो कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो अब ये 3 टेंस आपके कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट आपका लास्ट टेंस है ना वो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले उसको बनाने का मेथड, उसकी पहचान, वो सब कुछ, और उसके बाद उसके तीनों टाइप्स के जो टेंस सेंटेंसेज है ना हम वो करेंगे इंशाल्लाह। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी, तब तक के लिए।